सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवलरपीडिया को और बेल आइकॉन को दबाए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं का लोकप्रिय धार्मिक स्थान है। यह शहर भगवान राम से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में मान्यता है कि वह भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे। महाकाव्य रामायण के अनुसार प्राचीन शहर अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी थी, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण की पूरी कहानी भगवान राम के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस महाकाव्य में उनके 14 साल के वनवास के बारे में बताया गया है, जिसे उन्होंने जंगलों में रहकर काटा और कई मुश्किलों के बाद दीपावली के दिन वह अयोध्या अपने घर वापस आए। धर्म में अयोध्या पर्यटन। अयोध्या शहर हिंदू धर्म के लिए बेहद खास है, लेकिन इसके अलावा यहां बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म के अवशेष भी पाए जाते हैं। यह माना जाता है कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभ का जन्म भी यहीं हुआ था। यहां हम आपको अयोध्या पर्यटन के बारे में कुछ अन्य रोचक तथ्य बताने वाले हैं। 1527 में मुगल बादशाह ने यहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि ठीक उसी जगह भगवान राम का जन्म हुआ था। काफी लंबे समय से इस बारे में मतभेद चला आ रहा है, लेकिन दोनों ही धर्म के भक्तों की श्रद्धा अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या और उसके आसपास के पर्यटन स्थल। अयोध्या हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक है। अयोध्या में आकर मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। यहाँ कई उल्लेखनीय मंदिर भी है, जिनमें नागेश्वरनाथ मंदिर है, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था, और चक्रहरजी विष्णु मंदिर है। यहाँ पर तुलसी स्मारक भवन भी सरकार के द्वारा तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया है। ज्ञात हो कि तुलसीदास जी ने ही रामायण को लिखा था। राम जन्मभूमि वहाँ है, जहाँ बाबरी मस्जिद को 1992 में ध्वस्त कर दिया गया था। यहाँ के कनक भवन में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति लगी हुई है, जिन्हें स्वर्ण के मुकुट पहनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ एक हनुमान गढ़ी है। यह एक विशाल संरचना वाला स्थल है, जहाँ प्रत्येक कोने में परिपत्र गढ़ के साथ एक 4 पक्षीय किला है। यहाँ स्थित दशरथ भवन राजा दशरथ से जुड़ा हुआ है। त्रेता के ठाकुर यहाँ स्थित वह जगह है, जहाँ भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सीता की रसोई राम जन्मभूमि मंदिर के पास में ही स्थित है। यह माना जाता है कि माता सीता ने शादी के बाद पहली बार खाना यहीं पकाया था। यहाँ राम की पौड़ी भी स्थित है, जो सरयू नदी के तट पर है, जहाँ नहाने के लिए घाट है। इसके अलावा यहाँ मणि पर्वत भी है, जो पहले बौद्ध विहार था लेकिन बाद में एक हिंदू मंदिर बन गया। यहाँ से आप शहर के शानदार दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। अयोध्या का मौसम। अयोध्या में भ्रमण करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के दौरान होता है। वैसे यहाँ साल के अन्य दौर में मौसम काफी गर्म और शुष्क रहता है। हालांकि अयोध्या एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ साल के सभी दिन श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। अयोध्या कैसे पहुँचे? अयोध्या अच्छी तरह से एयर, वायु और सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ है। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।